Yes, students of class 9th, today we will discuss one of the question of same exercise 6.2 of same chapter lines and angles. Dear students, आज का जो question है, it is very simple. As you have seen my all lectures which are uploaded on my channel, teachings of mathematics of chapter lines and angles के जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने उनको देखा होगा, आप इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन इज हियर इन फिगर. फिगर हमारे पास अवेलेबल है 6.39 एज इन टेक्स्ट बुक. इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी हमारे पास एक लाइन है जो पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी इटसेल्फ इज पैरेलल टू ई एफ, एंड वाई इज दिस आरडी z equal to 3 is to 7. Ratio of y is to z is equal to 3 is to 7. Find x, we have to find value of x. Dear students, ये बहुत आसान है. We have here given, given condition है हमारे पास. We have AB parallel CD and CD parallel EF. ये हमारे पास given है. And y is to z, it is equal to 3 is to 7. To prove, prove क्या करना है हमें? X is equal to what? X का value क्या है? Dear students, हम given conditions को लेके आगे जा सकते हैं. Dear students, we have AB parallel CD, CD parallel EF. I have already uploaded a video that is line is parallel to the same line. CD के parallel AB भी है, EF भी है. Parallel line is parallel to same line. Sorry, line is parallel to same line or itself parallel. यहां पे CD के parallel AB है, CD के parallel EF है. इसका मतलब AB is also parallel to EF. ये आपके पास आएगा. आगे यहां पे तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है. आल्सो वी हैव गिवन, गिवन कंडीशन इज y इज टू z इक्वल टू 3 इज टू 7. 3 इज टू 7. देयर स्टूडेंट इज प्रूफ वी हैव हियर. वी हैव ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ. ये आपके पास क्यों है? दिस इंप्लाई, ये आपके पास इंप्लाई कर लेंगे वी हैव ए बी पैरेलल ई एफ. ये आपके पास आएगा. दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू एक्स. Z किसके बराबर होगा? X के बराबर. एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास है. वी हैव ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी ऑल्सो X प्लस Y इट इज इक्वल टू 180 as interior angles lies same side of transversal, same side of transversal. ये एंगल और ये एंगल, ये पैरेलल लाइन है. इट इज द ट्रांसवर्सल. दीज आर द इंटीरियर एंगल्स लाइज इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इनका सम नेचुरली हमारे पास सप्लीमेंट्री होता है. वी हैव, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, बट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वी हैव वाई हियर. वाई का वैल्यू भी हमें, ये वाई एंड जेड का वैल्यू हमें यहां से मिलेगा. टेकिंग दिस एज फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट रख लीजिए. वी हैव y is to z is equal to 3 is to 7.
that is y is equal to 3k and z is equal to 7k. See, ये हम ले सकते हैं. जब हमारे पास रेशियो में नंबर्स होते हैं, वी कैन टेक y इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम रियल नंबर. इसी तरह z इज इक्वल टू 7 टाइम्स k. ये हम ले सकते हैं. इट इज बाय रेशियो प्रॉपर्टी वी हैव दिस. नाउ y का मेजर आपके पास है 3k, x का मेजर है आपके पास 3k, वेयर k इज द मेजर ऑफ सम एंगल. Dear students, substitute these value in first. Therefore, from first में से हमें मिलेगा, that is x का value हमारे पास है, x का value z के बराबर है, z is 7k, that is 7k plus y का value हमारे पास है 3k, it is equal to 180 as x is equal to z. Because x किसके बराबर है? z के बराबर. We get here 7k plus 3k equal to 180. This implies us, यहां से हमें imply होगा, dear students, implies us 10k equal to, implies us 10k equal to 180. Or k is equal to 180 divide 10, that is equal to 18 degree. K का वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गया. सब्स्टिट्यूट वैल्यू हियर, वी हैव z इज इक्वल टू 7k बट z इज इक्वल टू x, देयरफॉर z व्हिच इज इक्वल टू x व्हिच इज इक्वल टू किसके बराबर है? 7k, 7 टाइम्स 100 सॉरी 18, दैट इज x इज इक्वल टू 7 इट इज आर 567 plus 5, it is 12. हमारे पास x का वैल्यू 126 डिग्री आ गया. इस तरह ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया. डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले. इससे पहले की वीडियो का एकदम कर लें, डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और वीडियोस अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी इन वीडियो से इस्तेमाल हासिल कर सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. खुश रहो.